मेरी बेटी निष्ठा त्रिपाठी यहाँ BVD में BCOM माइनर्स की छात्रा थी। कल रात में गणेश महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित होने वो कॉलेज गई थी। कॉलेज में उसको कुछ दबंग लोगों ने परेशान किया और उसके बाद में उसको अपने साथ ले जा करके मार दिया और मार करके उसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने जाकर के चिन्हट थाने में तहरीर दी है और जो मारने वाला लड़का है उसका नाम आदित्य पाठक, आदित्य देव पाठक और सनाब श्री अशोक पाठक बलिया का रहने वाला बताया जा रहा है। शहर में इस तरीके से तमाम दरिंदे, विभत्स दरिंदे घूम रहे हैं। प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। इस तरीके से पता नहीं कितने मासूम जाने और जाएंगी। हम ना आदित्य को जानते हैं ना पहचानते हैं। उसने इंस्टाग्राम से पता नहीं किस तरीके से उससे दोस्ती किया था और उसके बाद में उसने उसको दोस्ती करके वो कॉलेज से मैं कल वो गणेश महोत्सव था वहाँ उसको परेशान कर रहा था। परेशान करने के बाद उसने वहाँ पता नहीं कैसे क्या किया, उसको गोली मार दी। ये कोई लड़का है जो दरिंदा टाइप का है, उसको बेवजह उसने जान से मार दिया है। ये खूंखार दुर्दांत अपराधी है और ये इस तरीके का पेशेवर हमको लगता है। प्रशासन से हमारा अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा यही अनुरोध है, इस तरीके के दरिंदों को और खासकर इस आदित्य देव को फांसी की सजा अवश्य हो या इसको ले जाके चौराहे पे गोली मार दी जाए या बाबा जी जिस तरीके की कार्यवाही अभी तक करते हैं बुलडोजर का घर गिरवा दिया जाए, इसके माँ बाप सबको जेल में भेज दिया जाए, इस तरीके के बच्चों को पैदा करने वालों को भी ख़त्म कर दिया जाए।